लेक सिटी उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर विदेश मंत्रालय की टीम ने उदयपुर के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में 20 देशों से आने वाले राजनयिक और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही एयरपोर्ट से लाने और ले जाने ठहरने की व्यवस्थाओं पर भी जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में जिला लेवल की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया, जो बैठक में पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। तैयारियों के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल की इवेंट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। बैठक में उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा, पर्यटन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट सहित G20 सेक्रेटरीट के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि G20 मीटिंग उदयपुर सिटी पैलेस के दरबार हॉल में 5 दिसंबर को होगी। इसमें कई देशों के 20 राजनयिक हिस्सा लेंगे। साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और G20 के लिए उदयपुर को चुना गया है। G20 सेक्रेटेरिएट की टीम है, उन्होंने JS लेवल की टीम ने वहाँ विजिट किया है, जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो हमारे साथ शेयर की है और अभी तक जो तैयारियां हमने की वो उनको बताया है। बाई एंड लार्ज हमारी तैयारियां जो है अपेक्षित उस पर चल रही हैं, अपेक्षित दृष्टि से। कुछ जो स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, जो कि काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का समिट है, वो JS सिक्योरिटी के द्वारा शेयर किया गया है, उन पर स्पेसिफिकली हम काम करेंगे और इस पूरे क्रियान्वयन के लिए हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे सारी तैयारियों को मॉनिटर करें।